बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं YouTube चैनल ओके कार्स। तो आज इस गाड़ी का हम रिव्यू लेके आए हैं आपके लिए। ये बड़ी ज़बरदस्त 7 सीटर कार है, पाकिस्तान में 2021 में ये लॉन्च हुई है और इसका नाम है DSF के ग्लोरी प्रो। और इसकी अगर हम सबसे पहले बात करें गाड़ी का फ्रंट व्यू अगर देखें, तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट व्यू में LED लाइट्स दी गई हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त। यहाँ पर 4 लाइट्स हैं, 2 लाइट्स इसकी लो बीम पे ओपन होती हैं और चारों लाइट्स जो है ना हाई बीम पे ये चल जाती हैं। तो नीचे अगर इससे थोड़ा सा आएँ तो यहाँ पर कॉर्निंग लाइट्स दी गई हैं, ये फॉग लैंप नहीं है, ये कॉर्निंग लाइट्स हैं। तो ये आप गाड़ी को लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड वाला, राइट करेंगे तो राइट साइड वाला इंडिकेटर ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रैक्टर लाइन दी गई है सामने, यहाँ पर स्पॉयलर लिप दिया गया है नीचे, और ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त ग्रिल है जो कि बड़ी ह्यूज और बहुत बड़ी है, इसको गैलेक्सी ग्रिल कहते हैं। सेंटर में यहाँ पर इसका मोनोग्राम दिया गया है, ग्लोरी वालों का अपना मोनोग्राम है जो बहुत ही ह्यूज है। इसकी फ्रंट जो है ना बड़ी बल्की सी लुक आती है और यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है कि फुल LED टेक्नोलॉजी। इसकी लाइट्स जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त LED टेक्नोलॉजी में लाइट्स हैं। इसके टर्निंग सिग्नल्स भी हैं ऊपर। अंदर से गाड़ी के बोनट के लीवर को 2 दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी का बोनट जो है ना ये आप इसको सीधा ही ऊपर करेंगे, ये देखें, तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको इसका क्लिप को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी के इंजन की बात करते हैं, ये 1500 cc टर्बो इंजन है, 150 हॉर्स पावर और 220 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस कर। बैटरी की इसमें बात करें तो ये ड्राइव बैटरी इन्होंने इसमें प्लेस की है बड़ी ज़बरदस्त, और हर चीज़ जो है ना वो बड़ी साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन और वेल प्लेस्ड है इसमें। गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं, सबसे पहले 18 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं और इसमें जो है ना ब्रेक, वो यहाँ पे ब्रेक कैलिपर जो है ना रेड कलर के स्पोर्टी लुक में दिए गए हैं बड़े ज़बरदस्त। यहाँ पर एक ट्रैक्टर लाइन आ रही है जो इसके फ्रंट फेंडर से लेके ख़त्म हो जाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर यहाँ से स्टार्ट होती है दरवाजे से जो एंड तक जाती है। इसी तरह नीचे देखें तो यहाँ पर ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है सारे, जो पीछे तक जाती है टायरों के ऊपर, व्हील के ऊपर पीछे तक जा रही है पूरी। डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पर क्रोम कलर के डोर हैंडल दिए गए हैं। फ्रंट डोर में स्मार्ट एंट्री मौजूद है। गाड़ी के साइड मिरर पर LED टर्निंग सिग्नल्स दिए गए हैं बड़े ज़बरदस्त। ऊपर देखें तो रूफ व्हील दिए गई है, यहाँ पर सिल्वर कलर की ये रूफ व्हील है, और गाड़ी के शीशों पर, यहाँ पर विंडोज़ पर, यहाँ पर गाड़ी में भी क्रोम का काम किया गया है जो बड़ा ज़बरदस्त और ह्यूज एक बल्कि लुक देता है यहाँ पर गाड़ी को। गाड़ी की इसी तरह रेयर साइड पे हम जब आ जाते हैं तो गाड़ी की रेयर साइड पे भी आपको जो है ना LED लाइट्स पीछे मिल जाती हैं गाड़ी की रेयर साइड पे। यहाँ पर DSF की ग्लोरी की बैजिंग आपको मिल जाती है, ऊपर यहाँ पर भी इसका लोगो मिल जाता है। यहाँ पर 580 प्रो की बैजिंग है, दोनों लाइट्स LED हैं। गाड़ी के ऊपर देखें तो यहाँ पर वो रूफ के ऊपर स्पॉयलर दिया गया है, यहाँ पर सेंटर में इसके ब्रेक लैंप भी है, गाड़ी में वाइपर भी दिया गया है बैक पे रियर साइड पे, और गाड़ी में बैक कैमरा जो कि आपको दिया गया है। गाड़ी के बैक कैमरे के नीचे अगर यहाँ पर बात करें तो सेंसर्स दिए गए हैं गाड़ी में। यहाँ पर गाड़ी के बम्पर के अंदर लाइट्स हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग लाइट्स हैं। नीचे इसके डिफ्यूज़र दिए गए हैं 2। गाड़ी की अगर आपके पास है जो है ना ऐसे करें तो गाड़ी ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, लेकिन की होना बड़ी ज़रूरी है आपके पास। अगर की नहीं आपके पास तो फिर ये ऐसे ओपन नहीं होगी। तो यहाँ पे बटन भी दिया गया है बंद करने के लिए, आप इसको बटन को दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी बंद हो जाएगी। दोबारा ओपन करके देख लेते हैं एक दफ़ा, थोड़ा सा लैग है इसमें गाड़ी में, लेकिन ये ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में थोड़ा बहुत लैग। बटन भी है गाड़ी को, आप बटन से भी ओपन कर लेते हैं। तो गाड़ी की ना ट्रंक स्पेस के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस तो नहीं है, लेकिन एक छोटा बैग यहाँ पर बड़ी आसानी से आ सकता है। लेकिन अगर आपको स्पेस अच्छी करनी है तो आप इसको ऐसे इसको खींच के स्पेस को आप बड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए आप गाड़ी में जो है ना 5 सीटें रह गई हैं, लेकिन स्पेस जो है ना बड़ी ह्यूज किस्म की आ गई है आपके पास। अगर आप और स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये सीटें भी अगली वाली ये भी फोल्ड हो जाएंगी। तो गाड़ी में ना यहाँ पर बैक पर
लाइट भी दी गई है, और गाड़ी के अंदर ना यहाँ पर एक और सॉकेट भी दी गई है, पावर सॉकेट है यहाँ। गाड़ी के पीछे जाने के लिए ना ये बैक सीट जो है ना ये ऐसे आगे हो जाती है, और इस तरह से आप गाड़ी की स्पेस को और इंच ह्यूज इंक्रीज़ कर सकते। देखें आप जो है ना गाड़ी टू सीटर रह गई है, और यहाँ पर जो है ना आप बेशक चारपाई लगा के सवार गए हैं तो आपको होटल रूम नहीं मिला, तो आप गाड़ी के अंदर भी सो सकते हैं, तकिया लगाएं और यहाँ पे सो जाएं, आपको होटल रूम की ज़रूरत नहीं है, आप इसी गाड़ी में आप सो जाएं। डिग्गी में ना मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पर इसको आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पर जो है ना बूट सेपरेटर यहाँ पर मौजूद है। गाड़ी में स्पेयर व्हील भी है जो कि इस के नीचे है, इसको आप निकालेंगे, नीचे एक बोल्ट है उसको फ्री करेंगे, और इसके नीचे जो है ना वो इसका स्पेयर व्हील भी है। ये गाड़ी के टूल किट वगैरह है, यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये डिग्गी इसकी बंद हो जाएगी। गाड़ी के रूफ़ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास शार्क फिन एंटीना भी गाड़ी की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। गाड़ी ओवरऑल जो है ना एक बड़ी बल्की लुक देती है, और रोड पर इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा विजिबल होती है। गाड़ी 7 सीटर है, तो गाड़ी में स्मार्ट एंट्री ये देखें, गाड़ी में ये स्मार्ट एंट्री है, तो इसके साइड मिरर जो है ना रिट्रैक्टेबल हैं। अगर आप ये लॉक हो चुकी है गाड़ी, जैसे ही गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो गाड़ी के साइड मिरर ओपन हो जाते हैं, और ये देखें गाड़ी को ऐसे हम ओपन करते हैं, जैसे ही ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो नोटिसेबल चीज़ है ना वो यहाँ पर गाड़ी के डोर में लाइट दी गई है, और गाड़ी की बैजिंग है यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना, यहाँ पर DSF के ग्लोरी लिखा हुआ है। तो गाड़ी के डोर के ऊपर ये स्टिचिंग है, ये लेदर के अंदर जो है ना स्टिचिंग का बड़ा ज़बरदस्त काम किया गया है। गाड़ी के डोर के ऊपर जो है ना ये डोर कंट्रोलर्स दिए गए हैं, गाड़ी का ड्राइविंग साइड वाला कंट्रोलर जो है ना ऑटोमेटिक है, और बाकी जो है ना वो मैनुअल हैं, लेकिन हैं ये जो है ना पावर हैं। गाड़ी के लॉक अनलॉक के ये बटन दिए गए हैं। गाड़ी की सीट्स जो है ना वो 6-way एडजस्टेबल ज़बरदस्त ऑटोमेटिक गाड़ी की सीट कंट्रोल्स हैं, ड्राइविंग साइड वाले और पैसेंजर साइड वाले 4-way हैं, और ड्राइविंग साइड वाले जो है ना ये 6-way। गाड़ी में अंदर बैठ चुके हैं हम, और गाड़ी का स्टेयरिंग जो है ना ये राउंडेड नहीं है, यहाँ से नीचे से जो है ना थोड़ा सा ये कट दिया गया है इसमें। यहाँ पर DSF के वालों ने अपना बैच यहाँ पे लगा हुआ है इनका। यहाँ पर गाड़ी के ना जो कंट्रोल्स हैं स्टेयरिंग पर, यहाँ पर जो है ना इसके वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह हैं, और यहाँ पर गाड़ी के जो है ना क्रूज़ कंट्रोल वगैरह है। गाड़ी को जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं, गाड़ी की मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गाड़ी की है, और लॉक अनलॉक और ट्रंक ओपन की इसमें जो है ना बटन दिया गया है। तो गाड़ी को जब ओपन करते हैं ना तो इसका जो है ना इंफॉर्मेशन क्लस्टर जो है ना ये आपके सामने है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें आप, इसकी जो TFT है ना सेंटर में, ये डिजिटल है ये वाली, ये जो है ना ये कलर्ड नहीं है। बाकी जो है ना इसका RPM मीटर और स्पीडोमीटर ये जो है ना कलर है। इसमें टायरों को आप जो है ना हवा वगैरह को चेक कर सकते हैं कितनी है, ठीक है। ड्राइविंग माइलेज है इसमें, ब्राइटनेस है इसकी TFT की, इसमें डिजिटल मीटर भी है। गाड़ी के साइड मिरर जो है ना ये कंपनी क्लेम करती है कि ये जो है ना हीटेड मिरर है इसके साइड मिरर, और जो है ना ये रिट्रैक्टेबल भी हैं। जैसे मैं इसको बटन को यहाँ से दबाता हूँ तो ये रिट्रैक्टेबल हो जाता है। यहाँ पर जो है ना ये स्मार्ट एक किस्म की इन्होंने LED दी है, iTalk इसको बोलते हैं। इसके अंदर आप जो है ना बात करेंगे अगर इसके साथ तो ये आपको रिस्पॉन्स करेगी। ओपन स्काई लाइट, ओके। ये देखें गाड़ी में इसकी जो है ना रूफ वो ओपन हो गई है। हाय ग्लोरी, क्लोज स्काई लाइट, ओके। हाय ग्लोरी, टर्न ऑन AC, कैन यू टेल मी अगेन, टर्न ऑन AC। Got it. Turn off AC. Okay. ये देखें AC इसका बंद हो गया। 9-inch की ये फ्लोटिंग LCD है, जो कि इसमें तकरीबन आपको जो मल्टी मीडिया है, और उसके अलावा ब्लूटूथ है, स्पीच की ऑप्शन है, 360 की कैमरा है इसमें,
फ्रंट है, बैक है, राइट लेफ्ट। और जब आप राइट लेफ्ट करेंगे इसको वाइल ड्राइविंग तो तब भी इसका व्यू ऑटोमेटिकली आपको, राइट करेंगे तो राइट का व्यू आएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट का व्यू आपको देगा। तो इसमें चार टोटल कैमरे हैं? चार इसमें टोटल पांच कैमरे हैं। एक ये इसमें DVR है जी, ये स्क्रीन की रिकॉर्डिंग के लिए है, और ये वाइल्ड ड्राइविंग भी कर सकते हैं आप, और गाड़ी आपकी ऑफ है तो तब भी आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें कार्ड डलता है, कार्ड डाल के आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कंपनी कार्ड नहीं देती? नहीं, कंपनी कार्ड नहीं देती। ठीक है, ये न्यू ड्राइवर है, इसमें आप जो है ड्राइव, इसमें जो है आप यूट्यूब और ये सारी चीज़ें जो है ये एप्पल फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं। एंड्रॉयड के साथ जो है वो सिर्फ वायर के साथ कनेक्ट होगा, अदरवाइज ये देखें एप्पल वायरलेस है और एंड्रॉयड वायर के साथ है। जी ठीक है, ठीक है। टोटल जो है ना कितने स्पीकर हैं इसमें? सर टोटल चार स्पीकर हैं जो इसके दरवाजों में है, और दो इसके ट्यूटर्स हैं जो इसके पिलर्स में है। ये पिलर्स में जी, यहाँ पे रेडियो की ऑप्शन है, और ये एयर कंडीशन जो है इसका ये सारे कंट्रोल आपके पास LCD के अंदर मौजूद है, जिसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो गर्मी की तरफ जाएंगे, अगर नीचे करेंगे तो कूल की तरफ। आप इसमें क्लाइमेट कंट्रोल है जी, ये यहाँ पे भी आपके पास मौजूद है, मैनुअल भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। इसके मोड्स हैं, इसके मोड्स को भी चेंज कर सकते हैं आप, ये हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ऑफ करते हैं, यहाँ से वापस आ जाएं, यहाँ से भी सारा कंट्रोल है आपके पास। ये नेविगेशन का है, डायरेक्ट आप नेविगेशन में जाना चाहते हैं, और अगर आप डायरेक्ट 360 कैमरा में जाना चाहते हैं, लाइक आपने कोई वीडियो या कोई ऑडियो चलाया हुआ है इस पर, और आप कहते हैं कि मैंने एकदम व्यू देखना है, तो ये आप पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड बैक ये सारा आपको दिखाएगी। यहाँ से आप, यहाँ से भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कैमरे की। ये ऑटो डिमिंग नहीं है बैक में? नहीं, ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअल ही है। मैनुअल है, हाँ जी मैं। ठीक है, उसके अलावा गाड़ी में ये गियर की बात कर लेते हैं, तो गियर जो है इसमें ट्रिप्टोनिक ट्रांसमिशन है, आप इसको ऑटो भी चला सकते हैं और इसका मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटो के लिए मुझे पी से इधर पीछे डी पे लाना पड़ेगा, आप देखेंगे कि MID में आपके पास जो है वो डी ड्राइव मोड आ गया, अब ये ऑटोमेटिकली आप इसको ये गियर चेंज कर सकती है। अब यहाँ पुश करेंगे तो ये आप मैनुअल मोड में शिफ्ट हो गए, और एक इसका स्पोर्ट मोड ऑन हो गया, वहाँ S लिखा आ गया। ठीक है, इसी तरह ये पहला, दूसरा स्क्रीन में आपको बता रही है आप गियर चेंज कर रहे हैं, तो ये छह गियर आप इसके एंजॉय कर सकते हैं इस तरह मैनुअल। ये देखिए, गियर निकालेंगे तो डाउन शिफ्ट करनी है तो ऐसे, अप शिफ्ट करनी है तो आप आगे को कर सकते हैं। और मल्टीमीडिया का सारा कंट्रोल आपके पास यहाँ पे भी मौजूद है, जिसे हम जोगल स्विच कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको डायलर से इसके मेन्यू को, ट्रांजेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं पुश, और ऐसे भी पुश कर सकते हैं इसको। ये वॉल्यूम का कंट्रोल है, ये या टेलीफोन का डायलर आ जाता है यहाँ से, यहाँ से आप किसी ऑप्शन में गए तो बैक आ सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट सेटिंग में जा सकते हैं, और यहाँ से डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे होम पे। जी हाँ जी, ये भी बता दें जी, ये जो कंसोल बॉक्स है, ये गियर बॉक्स के पास आपको ये पियानो ब्लैक कलर मिलता है। ठीक है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है, और एक स्नो मोड की ऑप्शन मिलती है। स्नो मोड कैसे काम? स्नो मोड जब आप इसको पुश करेंगे तो अगर आप बर्फ़ पे इसको ड्राइव करते हैं तो गाड़ी जो है मोस्टली गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं, तो ये उस चीज़ के लिए है, सेफ्टी पर्पज़ है कि स्लिप नहीं होती, और स्नो मोड पर अच्छी तरह वर्क करती है। और ये इसका शिफ्ट लॉक का ऑप्शन है, अगर आप किसी शिफ्ट में इसमें डी में है, एन में है, या रिवर्स में इसको लॉक करना चाहते हैं तो वो लॉक हो जाएगी। यहाँ पे एम्बियंस लाइट्स मिलती हैं आपको, फिरोजी कलर में एम्बियंस लाइट मिलती हैं आपको, और ये ब्रेक पैडल है, और ये रिवर्स गैस पैडल है। तो ये इसका ब्रेक पैडल जो है, ये ऊपर जो है ना वो सिल्वर जी, गाड़ी के ऊपर आ जाए तो यहाँ पर जो है ना गाड़ी के रूफ के अंदर यहाँ पर लाइट्स दी गई है सनशेड में, इसी तरह दूसरी साइड पे भी लाइट्स दी गई है। गाड़ी के सेफ्टी फीचर की बात करें तो दो एयर बैग इसके आगे हैं और दो एयर बैग इसकी फ्रंट सीट्स पर हैं, तो इस तरह चार टोटल एयर बैग हैं गाड़ी में। गाड़ी में
वेल प्लेस्ड है गाड़ी, जो है ना किसी भी तरह से आपको चाइनीज ब्रांड का जो है ना वो नहीं देती, लुक नहीं देती गाड़ी का। डैशबोर्ड जो है ना यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त लेदर स्टिचिंग ऊपर की गई है, कैबिन का ये बड़ा ज़बरदस्त है। और गाड़ी में यहाँ पर जो है ना कप होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पर इसकी जो है ना ये इसका कवर है। अगर इसको कवर को आप पीछे करते हैं तो यहाँ पर लाइटर एस्ट्रे दी गई है आपको, यहाँ पर लाइटर दिया गया है और यहाँ पर एक जो है ना सॉकेट दी गई है। गाड़ी की लेदर्स की जो सीट्स है ना ये प्रीमियम है, कोई बहुत ज़्यादा चीप किस्म की नहीं है। गाड़ी में लेदर की स्टिचिंग भी की गई है और फील जो है ना ओवरऑल गाड़ी की अच्छी है, ठीक है। इसी तरह इसमें जो है ना डार्क चॉकलेट ब्राउन और ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी ओवरऑल लुक मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की। गाड़ी की पीछे वाली सीट्स पे बैठ के आपको इसकी ना सीट की काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस यहाँ पर हैं और हेड रूम भी बड़ा अच्छा है इसका गाड़ी का। और पीछे जो है ना एयर विंड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं गाड़ी के और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है। एयर विंड्स के ना कंट्रोल जो है ना वो आ गई हैं पीछे, यहाँ पर कंट्रोल नहीं दिए गए। यहाँ पर गाड़ी में लाइट्स भी दी गई हैं पीछे, दोनों साइड्स पर लाइट हैं। तो ये वाली स्पेस तो बड़ी अच्छी है गाड़ी की बैक सीट्स की। अब भी हम जो है ना इसकी पीछे वाली दोनों स्पीड सीटों की स्पेस चेक कर लेते हैं। अभी गाड़ी की रियर सीट्स पे बैक सीट्स पे जाने के लिए आपको इसको जो है ना पहले थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ना गाड़ी सीट आगे हो जाती है और फिर पीछे बैठ के आपको इसकी जो है ना लेग स्पेस के बारे में बात करते हैं। 6 feet हूँ, बिल्कुल H2H यहाँ पर लग रही हैं। तो ओवरऑल गाड़ी में पीछे बैठना वाला एक्सपीरियंस भी है ना वो नॉर्मल है, मतलब कि बहुत बुरा नहीं है। पीछे वाली सीट जो है ना वो ऐसी ही होती हैं तकरीबन हर एक 7-seater कार में मैंने देखी हैं जितनी भी, और बहुत बुरा नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पर आपके पास विंडो नहीं है, बिल्कुल छोटी सी विंडो है, तो आपका जो है ना आउटर व्यू ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया। यहाँ पर साइड पर यहाँ पर कप होल्डर वगैरह दिया गया है। गाड़ी में पीछे जो है ना वो लाइट वगैरह नहीं है, गाड़ी का इंटीरियर भी डार्क है तो इन्हें लाइट वगैरह यहाँ पर देनी चाहिए थी गाड़ी के जो है ना पीछे वाली दो सीटें जो सबसे पीछे इनमें। तो गाड़ी जो है ना एक कंप्लीट 7-seater कार है। गाड़ी कहीं से भी मुझे जो है ना चाइनीज़ ब्रांड की टच नहीं आ रही इसमें और गाड़ी का लेदर भी बड़ा ठीक है, मतलब नॉर्मल है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है और ठीक है। यहाँ पर पीछे भी जो है ना ये सीट बेल्ट दी गई हैं गाड़ी की 7, 7वीं, 6वीं और 8वीं सीट्स में भी। ये मेरे साथ मोहम्मद हसन साहब मौजूद हैं, ये जो है ना DSF के ग्लोरी के ना रिप्रेजेंटर हैं। तो इनसे पूछ लेते हैं कि इसको बुकिंग करवाने का तरीका क्या क्या है, इसको बुकिंग करने का तरीका और इसकी जो है ना वो क्या कीमत है इस टाइम मार्केट में। सर इसकी टोटल इनवॉइस प्राइस है 45,49,000, ठीक है। और अगर आप फाइलर हैं तो इस पर ऊपर है 50,000 रुपये विद होल्डिंग टैक्स, नॉन फाइलर हैं तो 1,00,000 रुपये विद होल्डिंग टैक्स है और 10,000 फ्रेट चार्जेस होते हैं फैक्ट्री से शोरूम तक का किराया, ठीक है। और हम इसकी बुकिंग कर रहे हैं 15,00,000 से और आप रीगल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लिमिटेड इसको बना रही है। आप रीगल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम का 15,00,000 का मुझे पे ऑर्डर दे सकते हैं, क्रॉस चेक दे सकते हैं, तो देन आपकी बुकिंग जो है वो हम करते हैं। तो बुकिंग टाइम जो है इसका कब तक है, मतलब कि डिलीवरी कब तक आप दे रहे हैं? इसकी डिलीवरी अभी इस वक्त जो है अगस्त में चल रही है। अगर आप मुझसे आज कल में बुकिंग करवाते हैं तो मैं आपको अगस्त में गाड़ी डिलीवर करवा दूंगा। अगस्त में गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। तो अपनी लोकेशन भी बता दें शोरूम की ना। ये 9A मौलाना शौकत अली रोड अकबर चौक लाहौर जोहर टाउन, जोहर टाउन चौक के और शौक चौक के बिल्कुल जो है मिडिल में आती है। ये इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की पुरानी बिल्डिंग है, उसके साथ ही हमारा शोरूम। जी जी जी। तो व्यूअर्स ये अगर आप गाड़ी को बुक करवाते हैं तो आपको जो है ना ये हसन साहब कह रहे हैं कि 15,00,000 का आपने जो है ना इसका पे ऑर्डर बनवाना है और अगस्त में आपको जो है ना इसकी डिलीवरी हो जाएगी और पूरी कीमत जो है ना इसकी वो बनती है कोई तकरीबन 46,00,000। हाँ जी। और 10,000 46,00,000 जो है 46,09,000 रुपये इसकी आपको बुकिंग के अंदर प्राइस पड़ती है अगर आप फाइलर हैं जी शोरूम से निकाल के। तो राउंड अबाउट को 1,00,000 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन है। इसकी रजिस्ट्रेशन तकरीबन 1,10,000-1,12,000 रुपए के करीब होती है। तो ये फाइलर आपको जो है ना वो 47,20,000 तक के राउंड अबाउट जो है ना कॉस्ट करती है।
बिल्कुल, ये तकरीबन 47-20 की 47-30 की आपको पड़ेगी अगर आप फाइलर हैं। अच्छा, तो एक बात और मैं जो पूछना आपसे भूल गया, इसके जो साइड मिरर हैं ये जो है ऑटो हीटेड है, क्योंकि वैसे मैंने बता दिया वीडियो में, मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपसे, ऑटो हीटेड तो है ना। तो व्यूअर्स, हमारे साथ नफीस भाई हैं, ये यहाँ पर प्रिंस मीर मोटर्स पर जो है ना सेल्स मैनेजर हैं, और इनसे जो है ना हम अभी हमने इसका रिव्यू किया है DSF के ग्लोरी का, इसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में हम इनसे पूछ लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। नफीस भाई, थोड़े से स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताएं इसकी, जिस तरह ये सामने वाली बड़ी खूबसूरत सी इसकी LED हेडलाइट्स हैं, इसकी क्या कीमत है? ये 48,000 रुपये में इसकी हेडलाइट है एक, और अगर मैं टसोन को देखूं तो वो 1,63,000 रुपये की है, स्पोर्टिज को देखूं तो 1,10,000 रुपये की है, MG को देखूं तो 2,05,000 रुपये की है। तो उनकी निस्बत, सभी SUV की निस्बत अगर देखा जाए तो ये सबसे कम कीमत की हेडलाइट है। इसी तरह से 36,000 रुपये का इसका साइड मिरर है, जिसके जो कि हीटेड भी है और इसके अंदर कैमरा भी है। 36,000 जी, कैमरा भी है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो इसकी ये फ्रंट ग्रिल है जी, तो इसकी क्या कीमत है? ये मेरे ख्याल में इस टाइम जो मार्केट में इसकी कीमत होगी, वैसे तो ये डीलरशिप से ही आपको मिलेगी, इसकी कीमत मेरे ख्याल में होगी कोई 18,000 रुपया। 18,000 जी, प्लास्टिक की। लोगो भी शामिल है? जी नहीं जी, लोगो इसमें एंटर नहीं है, लोगो और कैमरा एंटर नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये इसकी जो बम्पर है, ये बम्पर मेरे ख्याल में इसका 54,000 रुपये का बम्पर, 54,000 का है, और ये ग्रिल जो है ये ऑलमोस्ट आपको आइडिया नहीं है लेकिन 18,000 रुपये। तो ये गाड़ी अभी आप डिसाइड कर ले आपने लेनी है या नहीं लेनी, अब आपको जो है ना इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो मीर मोटर्स पे आप नफीस साहब से, ये सेल्स मैनेजर है यहाँ पे, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर, इनका कार्ड मैं जो है ना वीडियो में आपको डिस्प्ले कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। मियाँ साहब हमारे पास मौजूद हैं, इनसे भी लेते हैं, इनका एक्सपर्ट रिव्यू होता है, सील टू सील ये एक्सपर्ट है हमारी गाड़ियों के। तो मियाँ साहब क्या हाल है आपके? सबसे पहले शुक्र अल्लाह का। मियाँ साहब क्या बात है, इस गाड़ी के बारे में ख्याल है आपका? मसाला ज़रा लाइट होना चाहिए। इसका मसाला लाइट है या तेज़ है? बहुत अच्छी गाड़ी है, आफ्ताब तुम बना रहे थे मैं देख रहा था, लेकिन अनबिलीवेबल इसमें फीचर्स हैं। इन फ्यूचर ये 2 साल बाद ये मार्केट को बहुत अच्छा रिस्पांस देगी, आई थिंक सो। जितने इन्होंने फीचर्स डाल दिए हैं इसमें, अब देखें वीजल डेड हुई पड़ी है इस टाइम मार्केट में, वीजल बहुत है, सेल नहीं हो रही। कंपेरिजन किया जाए 0 मीटर 45,000 की, ये दो कैटेगरीज इसकी आ रही हैं। किसकी? इसकी। ये 45,500 की गाड़ी है। हाँ। और फुल फीचर में है गाड़ी, फुल 50,000 इसका जो है ना फाइलर के साथ टैक्स है, तो ये कोई 46,00,000 की आपको पड़ती है राउंड अबाउट। ठीक है, कुछ भी नहीं है, वीडियो में हमने पहले बता भी दिया है। तो ये जो है ना इस टाइम फुली लोडेड गाड़ी है और बहुत ही ज़बरदस्त चाइनीज़। मैं देख रहा था तुम बना रहे थे, मैं सारा कुछ देख रहा था कि यार कमाल, एक एक फीचर मैंने देखा इसका कि अभी इस लीग की जो गाड़ियां आ रही हैं ना वो 7-सीटर नहीं है, और वो 55,000 की हैं, 50,000 से ऊपर की हैं। हाँ। ये गाड़ी जो है ना 46 की घर में आके पड़ रही है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, जो टर्बो इंजन है इसका, देखिए चाइना अपनी गाड़ी फ्लॉप नहीं होने देगा, वो मार्केट में अगर इन हुआ उसने गाड़ी फेंकी है तो किसी वजह से फेंकी नहीं, आने वाला दौर जो है ना वो चाइनीज ही है। चले जी व्यूअर्स, अगर आपको जो है ना मजीद मालूम दरकार हो तो आप जो है ना हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें, और हिट द बेल आइकॉन और ऑल लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।